योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है। हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना मेक इन इंडिया को समर्थ बनाने के लिए हमारी रणनीति का मुख्य बिंदु है। यह संभावना है कि पश्चिम समर्पित भाड़ा कॉरिडोर और पूर्वी समर्पित कॉरिडोर जून 2022 तक चालू हो जाएगा। निम्नलिखित अतिरिक्त पहल प्रस्तावित हैं। 2021-22 में पूर्वी डीएफसी का सोननगर गोमो खंड 263.7 किलोमीटर पीपीपी मोड में शुरू किया जाएगा और यह इस वर्ष शुरू किया जाएगा। 274.3 किलोमीटर का गोमो दान कुन्नी खंड भी इसके तत्काल बाद शुरू किया जाएगा। हम भावी समर्पित भावी कॉरिडोर परियोजना को निष्पादित करेंगे। नामतः खड़गपुर से विजयवाड़ा तक पूर्वी तट कॉरिडोर, भुसावल से खड़गपुर से दानकुनी तक पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर प्रथम चरण में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें निष्पादित की जाएंगी। विद्युतीकृत ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर आरकेएम 46,000 आरकेएम अर्थात आरकेएम है ये 46,000 किलोमीटर मतलब 1 अक्टूबर 2020 को 41,548 आरकेएम से 2021 के अंत तक 72% विस्तार तक पहुंचने की संभावना है और ब्रॉडगेज रूटों का 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं। हम यात्रियों के लिए एक बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटक रूटों पर सौंदर्य परक रूप से डिजाइन किए गए विस्टा डोम LHV कोच आरंभ करेंगे। गत कुछ वर्षों में किए गए सुरक्षा उपायों के परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रयास को और सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और उच्च उपयोग किए गए नेटवर्क रूटों को देसी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी जो मानवीय त्रुटि के कारण ट्रेन टकराने से समाप्त हो जाएगी। मैं रेलवे के लिए 1,10,000 और 55 करोड़ रुपए की एक रिकॉर्ड राशि प्रदान कर रही हूँ जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। शहरी अवसंरचना, हम मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी सेवा बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के समर्थन के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत पर एक नई योजना लॉन्च करेंगे। यह योजना 20,000 से अधिक बसों के लिए वित्त अधिग्रहण प्रचालन और रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र के प्लेयरों को सक्षम बनाने के लिए नव प्रवर्तनकारी PPP मॉडलों की तैनाती को सुकर बनाएगी। यह योजना ऑटोमोबाइल सेक्टर को संवर्धित करेगी, आर्थिक समृद्धि में तेजी लाएगी, हमारे युवाओं के लिए रोजगार अवसर सृजित करेगी और शहरी निवासियों के आवागमन की सुविधा को बढ़ाएगी। कुल 702 किलोमीटर परंपरागत मेट्रो प्रचालन में है और 1,016 किलोमीटर मेट्रो और RRTS 27 शहरों में निर्माणाधीन है। दो नई प्रौद्योगिकियां,